हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तलोरा विलेज का व्यू। तो चलिए देखते हैं तलोरा विलेज कैसा है। हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर पहाड़ की चोटी पर। चर्च है जो बहुत सुंदर है। तो चलिए मैं ऊपर चलकर आपको ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये बाबू जा रहा है चढ़ते चढ़ते ऊपर। ऊपर चढ़ रहे हैं तो कैमरा बहुत शेक हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर कीजिए। और हम लोग धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर की ओर जा रहे हैं और अभी पहुंचने ही वाले हैं। किनारे से अरे उसमें कहाँ चढ़ रहे, किनारे से चलो। हाँ वहाँ से आओ। हाँ सीढ़ी है लेकिन अभी सूखा नहीं है। इधर से तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और ये सीढ़ी बना रहे हैं ऊपर से नीचे तक। पहले सीढ़ी नहीं था, ऐसी चढ़ान जैसे था, तो अब नया सीढ़ी बन रहा है जो अभी अभी तैयार हो रहा है। गीला है, काम चल रहा है। तो चलिए मैं ऊपर चल के आपको चढ़ दिखाती हूँ। और तलोरा गांव से बहुत सारे फादर और सिस्टर बने हुए हैं जिनका नाम वहाँ के चर्च के दीवालों पर लिखा हुआ है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए ऊपर से नीचे तक का नज़ारा, ये पूरी बस्ती दिख रही है, कितना सुंदर लग रहा है ना। पूरा जंगल पीछे देखिए, पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है और ये पूरा बस्ती है। और इधर है ये चर्च जो ऊपर में बना हुआ है और वो है ग्रोटो। तो चलिए आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तलोरा विलेज के फादर और सिस्टर लोग का नाम, कितने फादर सिस्टर बने हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्राम तलोरा के फादर सिस्टर का नाम जो इसमें है, स्वर्गीय विशप फिलिप एक्का येसु समाज, स्वर्गीय फादर गब्रियल एक्का येसु समाज, फादर अल्बर्ट खलको नोबर्टाइन, फादर हेरमन मिंच कापुचिन, फादर सेराफिनुस एक्का कापुचिन, फादर देसरूप कुजूर SBD, फादर एल्फिस मिंज येसु समाज, फादर यूजिन खलको डॉन बोस्को, और ब्रदर मुक्त लाल एक्का SBD, और यहाँ ब्रदर सुबोध एक्का ब्रदर्स ऑफ चैरिटी, और नीचे ब्रदर का नाम नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से बिमल एक्का है मनफोर्ट। और आगे चलते हैं सिस्टर्स का नाम देखते हैं कितने सारे सिस्टर्स हैं। तो यहाँ ऊपर में सिस्टरों का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ है सिस्टर फ्लोरेंटिना एक्का हॉली क्रॉस समाज, सिस्टर मार्सेला बरवा संत अन्ना, सिस्टर क्लारिना एक्का हॉली क्रॉस, सिस्टर सेलेस्टिना मिन सेंट जोसेफ, सिस्टर सुमन एक्का हॉली क्रॉस, सिस्टर मनोरमा एक्का हॉली क्रॉस, सिस्टर मंजू एक्का सेंट जोसेफ, सिस्टर शीला बरवा हॉली क्रॉस, सिस्टर मधु बरवा डॉन बोस्को। और यहाँ एक सिस्टर का नाम मिट चुका है, एक्का बस दिख रहा है फ्रांसिस्कन। और नीचे मेरे ख्याल से फ्रिस्का होना चाहिए, फ्रिस्का लकड़ा उर्सलाइन, और नेक्स्ट लास्ट है प्रभा बरवा चैरिटी समाज। तो इतने सारे फादर सिस्टर हैं। और ये देखिए चर्च के पीछे से मैंने ये शूट किया है, तो ये चर्च के पीछे का नज़ारा है जो पूरा पहाड़ और जंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ चट्टानों को काट कर ऊपर में ही घर बनाया गया है। और ये देखिए पीछे का नज़ारा, पूरा पहाड़ कैसे दिख रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एक बार। और ये है चर्च जो अभी पेंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला टाइप से दिख रहा है। और ये देखिए पीछे का नज़ारा बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये। आप लोग यहाँ कभी भी आना हो तो यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। तो ये देखिए पूरा नज़ारा, और उधर नदी है बहुत बड़ा, और ये नीचे बस्ती है पूरा। मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी इधर आना हो तो ज़रूर आइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए मैंने पीछे से शूट किया है ये चर्च को। और ये देखिए आसमानों को, जंगलों को, पहाड़ों को, और ये घर खेत खलिहान सब ऊपर से सारा नज़ारा दिख रहा है नीचे का। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नीचे
और वो देखिए यहाँ से पूरा नीचे तक सीढ़ी बनेगा। जब सीढ़ी बनकर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कभी यहाँ आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी फिर से एक बार, ताकि चर्च भी उस टाइम पेंट वगैरह हो के अच्छे से हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम जा रहे हैं नीचे, वो देखिए नीचे हमारा घर है, तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को चर्च के अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाई क्योंकि चर्च में लॉक लगा हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो आप लोगों को उसके अंदर का नज़ारा ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अंदर में चर्च के अंदर में फादर विशप का स्टैचू बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत साल से बना हुआ है, जो इस गाँव के जो विशप हैं उनका स्टैचू बना हुआ। और ये देखिए हमारा घर ये भी है, और उस साइड जो था ना, दोनों अपोजिट साइड वाले, दोनों अगल बगल वाले, दोनों हमारे घर हैं। और ये देखिए नीचे से ऊपर का नज़ारा, और ये देखिए बच्चे लोग बकरी के दूध से दूध दूह रहे हैं, बकरी का खूब इंजॉय कर रहे हैं, बकरी के दूध निकाल रहे हैं लोग, पर बकरी इधर उधर हो रही है पूरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।